अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, क्या हाल है आपका? दोस्तों आज एक बार फिर आपको लेके आए हैं जी मैक्स मोटर्स के ऊपर। और मैक्स मोटर्स जो है आप कह सकते हैं कि जापानी गाड़ियों का गढ़। मेरे अगर आप यहाँ पे पीछे देखते हैं, यहाँ पे तो आपको जापानी गाड़ियाँ ही माशाल्लाह सारी नज़र आएंगी। और इस साइड पे अगर आप देखते हैं तो जो जापानी डब्बे, नहीं कहना भाई, कहते हैं भाई ये पेंडू होता है लफ्ज़। यार हम पेंडू हैं भाई, मेरे सब्सक्राइबर पेंडू, मैं पेंडू, हम सारे पेंडू हैं। तो भाई हमारे यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज चलती है वो डब्बा ही है। एनीवेज नो मोर कमेंट्स अबाउट दैट। ये मिनी बस डब्बा जो भी आप कहते हैं ये हैं जी, वहाँ पे सारी जापानी गाड़ियाँ माशाल्लाह। और मैक्स मोटर्स जो है ना ये गुजरांवाला में दोस्तों चांदा किला से जब आप आते हैं सिटी की तरफ तो बिल्कुल आपको राइट साइड पर मिल जाएगा स्टार्ट में ही। माशाल्लाह अगर आप यहाँ पर गाड़ियाँ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये एक्वा खड़ी है, एक एक्वा भी जापनीज़ है, और ये नोट है, यहाँ पर वैगनर है, फिर यहाँ पे अगर आप देखते हैं एन वैगन, और दूसरा वहाँ पे जिमनी है, आगे दूसरी भी है एवरी भी है। तो माशाल्लाह गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इन सब की वीडियो आज आपको इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और एक और मैं थैंक यू करना चाहूँगा, हमारे बड़े ही दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, अबूधाबी में काम करते हैं, ये कैब उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजी है, क्या कहते हैं बी एम डब्ल्यू में काम करते हैं, बी एम डब्ल्यू की कैब आई है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप इतना प्यार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो शुरू करते हैं आज के और दिखाते हैं आपको कि मैक्स मोटर्स के ऊपर कौन कौन सी गाड़ियाँ और क्या क्या इनके पास प्राइजेज हैं। तो मैक्स मोटर वाले कहते हैं जी द हाउस ऑफ जापानीज कार्स। एग्जैक्टली द हाउस ऑफ जापानीज कार्स हैं ये, क्योंकि इनके पास माशाल्लाह सारी ही जापानीज गाड़ियाँ हैं और बेहतरीन हैं। मैं जो सबसे पहले गाड़ी आपको दिखाऊँगा ये वैगनर है दोस्तों, हमारे पास 2019 मॉडल दोस्तों गाड़ी है, टोटल जेन्युइन गाड़ी है। जो टोटल इसका माइलेज है ना, जेन्युइन माइलेज इसका जो 76,000 जो है ना ये गाड़ी चली हुई है। मैं आपको थोड़ा सा इसका 360 व्यू दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसके बताता हूँ डिमांड। टायर्स आप देख सकते हैं, ये इसका साइड व्यू है दोस्तों, और बाकी गाड़ी का बैक व्यू भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं अभी चेक कर रहा था इसको। देखें आप ये पीछे से गाड़ी, और फैमिली के लिए छोटी कार है बेहतरीन हालत में। ये इसका ट्रंक देखें जी, हाइड्रोलिक ट्रंक है दोस्तों, बिल्कुल रस्ट फ्री है, कहीं से कोई निशान आपको या जंग वगैरह नज़र नहीं आएगा, ये इसका आप ट्रंक कह सकते हैं। ठीक है जी, और ये आप देखें इसके अंदर से हालत है, गाड़ी माशाल्लाह बेहतरीन हालत में है। ओके हो गया, चलें अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका थोड़ा सा इंटीरियर भी, और फिर आप देखें कि गाड़ी की क्या सूरत हाल है। ये चेक करें माशाल्लाह, जापानी गाड़ियों का जो इंटीरियर होता है ना माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त होता है और बहुत बेहतरीन होता है। पावर विंडोज़ हैं दोस्तों, और गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, इसका जो ऑफ वाइट कलर का जो इंटीरियर है वो बड़ा शानदार नज़र आ रहा है। और ये ऑटोमेटिक गेयर ट्रांसमिशन, एसी, हर चीज़ बेहतरीन काम कर रही है। इसका मीटर जो है यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके उन्होंने दिया हुआ है, आई मीन डिफरेंट थोड़ी लुक आ रही है। और बाकी भी जो गाड़ी की वाइब्स है ना बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बेहतरीन नज़ारा आ रहा है जी। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया इसका इंटीरियर। अब गाड़ी की जो डिमांड कर रहे हैं ना यहाँ पर मैक्स मोटर्स वाले, इसकी जो डिमांड कर रहे हैं दोस्तों, ये डिमांड कर रहे हैं 23 लाख इसकी डिमांड की जा रही है। लेकिन जाहिर बात है दोस्तों ये डिमांड है जी, इसमें कमी पेशी हो सकती है। सो अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड होता है तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मेरा रेफरेंस दे तो मज़ीद भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगी, कमी पेशी हो जाएगी। नोट है दोस्तों, निसान नोट हमारे पास नेक्स्ट गाड़ी है, और ये है जी 2018 मॉडल दोस्तों, 21 की ये भी इम्पोर्ट है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, गाड़ी बेहतरीन है जी। इसका जो है ना सिर्फ एक एयरबैग जो है वो खुला हुआ है, गाड़ी टोटल जेन्युइन है, बस इसका जो एक एयरबैग खुला है उस हालत में है। बाकी आप देख सकते हैं ये जो है ना इसके अलॉय रिम चेक करें आप, बेहतरीन अलॉय रिम है, ई पावर गाड़ी, आपको पता है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त माइलेज होती है। और ये चेक करें इसका बैक व्यू है, देखें जी बहुत माशाल्लाह अच्छी गाड़ी लग रही है। तो अंदर से देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा है और फिर बताते हैं जी इसकी आपको डिमांड। तो गाड़ी के ऊपर ना असल में बारिश, आज मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही क्लाउडी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ये बारिश हो रही है, आप ये देखें। अब रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं, मिट्टी होती है तो थोड़ी सी डस्ट आ जाती है, बाकी गाड़ी बिल्कुल ये शाइनिंग कंडीशन में है। चेक करें जी दरवाज़ा बहुत साफ़ सुथरा, और डैशबोर्ड भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हालत में है दोस्तों। ये पुश स्टार्ट गाड़ी है, और बाकी इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और ये चेक करें आप इसकी गेयर ट्रांसमिशन, आया स्वाद, जे स्वाद आया तो सरकार एक ताड़ा कमेंट तो एक ताड़ा लाइक आना चाहिए हूँ ही। दूसरा ये देखें आप इसकी सीट्स, ये सीट्स हैं इसकी, और माशाल्लाह ये स्टीयरिंग भी देखें जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसका डैशबोर्ड बहुत शानदार व्यू दे रहा है। तो अच्छी लुक है गाड़ी की दोस्तों, बहुत अच्छा निज़ाम इसका लग रहा है मुझे। गाड़ी जो है ना 1500 सीसी भाई, 1500
जी 1500 सीसी गाड़ी है, हाइब्रिड है और इसकी माइलेज आपको पता है बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इसकी जो डिमांड की जा रही है दोस्तों, ये डिमांड कर रहे हैं जी 29 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये डिमांड है, इसमें कमी बेशी हो सकती है। भाई जान 29 लाख है ना इसकी डिमांड, डिमांड इसकी कितनी है? अच्छा नहीं, मुझे वैसे 29 बताइए, चलें ठीक है, ये 29 डिमांड है दोस्तों इसकी। बाकी आप देखिए यहाँ पर जो है एक्वा हमारे पास एक है और ये 2000 है जी, 17 मॉडल है, 21 की ये सॉरी इम्पोर्ट है, ठीक है दोस्तों। इसमें माइनर सी आपको टचिंग मिलेगी, 24,000 किलोमीटर है ये टोटल चली हुई है, पुश स्टार्ट गाड़ी है और बाकी आप देखें इसकी कंडीशन। ये इसके ऊपर भी ना आपको ये जो निशान नज़र आ रहे हैं, ये बारिश की छींटे पड़ी हुई हैं, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि पता नहीं शर्जील भाई आज किस तरह की गाड़ियां दिखा रहे हैं। तो ये बेहतरीन है गाड़ी अपनी 100% हालत में। अलॉयरी में आप ये देखें, इसके भी अलॉयरी में माशाल्लाह देखेंगे तो बड़े ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और इस साइड से भी आप देखें तो गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी है। देखते हैं जी अभी अंदर से गाड़ी का क्या व्यू आ रहा है, तो चेक करें जी दोस्तों, गाड़ी माशाल्लाह बहुत शानदार लुक दे रही है हमें। ये इसके पावर विंडोज़ हैं, पुश स्टार्ट गाड़ी है ये, स्टेयरिंग आप देख सकते हैं सारी इसकी जो है मल्टीमीडिया ऑप्शंस, गियर ट्रांसमिशन इसकी सेम मुझे लग रही है एक्वा जैसी, सॉरी एक्वा कह रहा हूँ, एक्वा तो ये है विट्स जैसी। बाकी आप देखें यहाँ पे है इसका डैशबोर्ड, डैशबोर्ड आपके सामने देखें आगे वो बाकी डिटेल्स आती होंगी इसकी स्पीड वाली। और ये चेक करें सीट्स, आप इसकी सीट्स यहाँ से मुझे थोड़ी सी माइनर सा सीट कवर ख़राब लग रहा है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जो कमी बेशी मुझे नज़र आती है वो मैं ज़रूर आपको दिखाता हूँ। और आप कहते हैं जी शर्जील भाई तुसी तो ना झूठ बोलते हो रहे यार, ना कराया करो इंज, ना कराया करो गल्ला ना, फिर मेरा दिल टूट जाता है। कोई गल नहीं, तुसी भरा हो साढ़े, जो मर्जी कह सकते हो। एक्वा दोस्तों इसकी जो डिमांड की जा रही है मैक्स मोटर्स के ऊपर, इसकी जो डिमांड कर रहे हैं ये कर रहे हैं जी 34 लाख रुपया, 34 लाख इसकी डिमांड की जा रही है। ऑब्वियस सी बात है ये डिमांड है, इसमें कमी बेशी डेफिनेट सी बात है हो जाएगी। नेक्स्ट जो गाड़ी मैं दिखा रहा हूँ आपको जी, ये है दोस्तों हमारे पास है होंडा की एन वैगन है ये, 18 मॉडल और 22 की ये इम्पोर्ट है, 18 मॉडल है, 22 की ये भी इम्पोर्ट है। और गाड़ी ये जो है ना पुश स्टार्ट है, 80,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, टोटल जेन्युइन हालत में गाड़ी है। देख सकते हैं ये इसका फ्रंट है, यहाँ पे अगर आप देखें इसका जो है बोनट देख सकते हैं, बोनट बेहतरीन है। और यहाँ से जो इसका है आ रहा साइड व्यू आप देख सकते हैं, साइड व्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। और बैक साइड से मैं आपको दिखा के और फिर मैं बताता हूँ आपका इसका इंटीरियर और प्राइस बताते हैं। एन वैगन और ये चेक करें इसका बैक व्यू है, वाइपर लगा हुआ है बिल्कुल ओके। टायर्स आप देखें, टायर्स माशाल्लाह बहुत शानदार अभी हैं, बिल्कुल अच्छी हालत में। और इंटीरियर देखते हैं जी, लो जी दोस्तों क्या बात है, एन वैगन का इंटीरियर देखें तो रूह राजी हो जाएगा आपका, बिल्कुल शानदार जापानी गाड़ी, कमाल चीज़ है जी। ये देखें गियर ट्रांसमिशन, ये बाकी यहाँ पे स्क्रीन इंस्टॉल्ड है जी, स्टेयरिंग आपके सामने बिल्कुल ठीक, पावर विंडोज़ और सीट्स बहुत अच्छी लगी हुई हैं, कम्फर्ट सीट्स हैं, बड़ी सीट्स हैं, तो बहुत अच्छी हालत में जो नज़र आ रही है गाड़ी की जी। देखते हैं अभी इसकी डिमांड कि इसकी डिमांड क्या की जा रही है दोस्तों। तो इसकी जो डिमांड कर रहे हैं ना यहाँ पे मैक्स मोटर्स वाले, मैक्स मोटर्स वाले इसकी दोस्तों डिमांड कर रहे हैं 24,75,000 रुपये। जी हाँ जी, 24,75,000 इसकी डिमांड है। अब ये डिमांड है, इसमें कमी बेशी हो सकती है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये जो कॉर्नर पे आपको नंबर नज़र आ रहा है ना इस पर रब्ता करें, इंशाल्लाह मेरा नाम लेंगे तो और भी ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। नेक्स्ट गाड़ी हमारे पास ये सुजुकी जिमनी, जिमनी है जी और ये है 2017 मॉडल दोस्तों, 22 की ये इम्पोर्ट है। लेफ्ट साइड पर माइनस ही टचिंग है इसमें और 660 सीसी है, 31,000 ये जो चली हुई है गाड़ी, ठीक है। और गाड़ी बेहतरीन हालत में दोस्तों। अब देखते हैं इसके टायर्स, तो टायर्स देखें आप माशाल्लाह, टायर्स बिल्कुल बेहतरीन है जी। ये इसका साइड व्यू है, बैक साइड इसकी देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी डिमांड। स्टेपनी रिमूव की हुई है आई गेस इन्होंने, और ये इसका बैक व्यू आ रहा है दोस्तों, गाड़ी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है मुझे तो। अब चेक करते हैं इसका इंटीरियर, तो वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि गाड़ी लॉक है। एनीवेज मैं आपको इसकी बता देता हूँ प्राइस, कि इसकी प्राइस क्या डिमांड की जा रही है, तो डिमांड कर रहे हैं जी 24,50,000, 24.5 लाख रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये डिमांड है, इसमें कमी पेशी हो सकती है, अगर आप कोई इंटरेस्टेड होते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है उसके ऊपर रब्ता करें, इंशाल्लाह कमी पेशी हो जाएगी। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब
डेफिनेटली करना है, क्योंकि ये वाली गाड़ी जो है ना ये मैंने लेनी है। जो कैसे लेनी है, जब आप मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर करवा दोगे इसी वीडियो पे करवा दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। देखिए मैं अगले हफ्ते आपको गाड़ी लेके दिखा दूंगा। 3 लाख सब्सक्राइबर कराएं इंशाल्लाह, गाड़ी फिर लेनी है और मैं फिर आप भाइयों के साथ घूमू करूँगा इसी गाड़ी के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।